साथियों, बहुसवाद और झूठवाद के साथ कांग्रेस की यही भी सच्चाई है कि वो जब जब आती है अपने साथ महंगाई को लेकर के आती है। महंगाई और कांग्रेस चोली दामन का नेता है भैया। आप याद कीजिए, 10% की दर से कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ रही थी। आपने 2014 का चुनाव याद कीजिए, महंगाई 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 यही मुद्दा था। आज हमारे विरोधी भी महंगाई शब्द बोल नहीं रहे हैं। आज 5 वर्षों की मेहनत के बाद आपका ये चौकीदार महंगाई दर को घटा करके 2 या 3% ला करके खड़ा कर दिया है। साथियों, अब तो कांग्रेस ने खुद मान लिया है कि वो देश के मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस देश के मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस अब खुले आम कहने लगी है कि भारत का मध्यम वर्ग लालची है, स्वार्थी है, ये बयान दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने धमकी दी है कि वो अगर चुनकर जीत करके आते हैं तो इतना टैक्स बढ़ाएगी, इतना टैक्स बढ़ाएगी कि मध्यम वर्ग भी याद रखेगा। क्या भाइयों बहनों, इस देश के मध्यम वर्ग की कमर तोड़ करके देश चल सकता है क्या? ये मध्यम वर्ग को खत्म करके देश आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? अरे, ईमानदारी से जीने वाला होता है मध्यम वर्ग, देश को देने वाला होता है मध्यम वर्ग। भाई और बहनों, मध्यम वर्ग हो, देश का ईमानदार टैक्स पेयर हो, हमारी सरकार उसकी आशाओं आकांक्षाओं को पूरा सम्मान देने हुए काम कर रही है। 5 साल में पहली बार ऐसी सरकार आपने देखी है जिसने टैक्स नहीं बढ़ाया बल्कि टैक्स कम किया है। अब 5 लाख रुपए तक की कमाई वाले को 1 पाई का टैक्स नहीं देना पड़ा। कितने सालों से मांग हो रही थी, हमने पूरी की। इतना ही नहीं, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, ब्याज दरों में भी बीते 5 साल में अभूतपूर्व कमी आई है। हमारे जो साथी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीद रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत सुनिश्चित की है। इसके अलावा दवाइयों की कीमत हो, स्टैंड की कीमत हो, घुटने के इम्प्लांट की कीमत हो, सभी में कमी की गई है। एक और बड़ा फैसला हमने महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ लिया है। पहली बार किसी सरकार ने बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध करते हैं, राक्षसी कृत्य करते हैं, बेटियों पर बलात्कार करते हैं, अब उनको फांसी की सजा का प्रावधान ये मोदी ने किया है।